कानपुर मंडी कानपुर नगर। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये रहे हम इस समय कानपुर मंडी में और इस समय लगभग बज रहे हैं 3:30। ये है दोस्तों कानपुर मंडी। ये देखो, पहले भी लोगों ने कई डिमांड की कानपुर मंडी दिखाओ। अभी हम यहाँ पे जो आड़ती हैं इनसे बात करेंगे आलू के बारे में कि कितना आलू डंप का आ रहा है। और 92 ये देखो सब आलू है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बात करेंगे गाड़ी में से उतर के, बात करेंगे यहाँ पे जो आड़ती हैं उनसे कहाँ कहाँ आलू जा रहा है यहाँ से इस समय, कैसी डिमांड है, क्या रेट है। यह मंडी कानपुर मंडी अपने भारत की बहुत सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। देखो अभी बात करेंगे गाड़ी में से उतर के। अरे भैया आलू, ये कौन सा एलआर, ये गाड़ी लोड हो रही है आलू की। क्या नाम है साहब आपकी आड़त का? नमस्कार साहब, बीके ट्रेडिंग कंपनी। बीके ट्रेडिंग कंपनी, आलू आ रहे हैं खूब भरपूर? हाँ आलू आ रहा है भरपूर। अच्छा क्या क्या रेट इस समय आलू बिक रहा है? आलू 9 रुपए बिक रहा है, 11 रुपए बिक रहा है। अच्छा 9 रुपए 11 रुपए, 9 रुपए किलो कौन सा आलू बिक रहा है? सफेदी बिक रहा है, सफेद हाइब्रिड ख्याति वगैरह आ रहा होगा। और लाल? लाल बिक रहा है 375, 350, 400 रुपए। अच्छा एलआर वगैरह? एलआर नहीं, ये कौन सी है? ये कौन सी है? सिंदूरी है। अच्छा सिंदूरी, क्या रेट बिक रहा है सिंदूरी? 400 से 350 रुपए। अच्छा अच्छा, और ये डंप की क्या पोजीशन है, डंप कब तक आएगा? ये डंप आएगा 10 दिन। स्टोर की आ रही है क्या गाड़ी? क्या नहीं अभी नहीं, 10 दिन और आएगा। तो क्या डंप के आलू में जो शिकायत आ रही है, ये क्या है कुछ ऐसा कि खराब आ रहे हैं थोड़ी बहुत गर्मी की वजह से? अच्छा अभी 10 दिन और आएगा डंप का आलू। ठीक है ठीक है, ये पोजीशन। ये देखो सिंदूरी है, एलआर बता रहा था मैं, सिंदूरी। ये गाड़ी लोड होके जा रही है, 4 बजे का टाइम है दोस्तों। इस समय मैं निकल के जा रहा था तो मैंने कहा आप सभी लोगों को थोड़ा मंडी के दर्शन करा दें, क्या रेट आलू बिक रहे हैं मंडी में। देखो ये गाड़ियाँ आलू की ही लोड हो रही हैं सब, इनसे भी बात करेंगे। इधर प्याज ही प्याज है पूरे में। हाँ जी दोस्तों, इस समय हम हैं सोनू भाई के पास। सोनू भाई क्या परिचय दो जरा, अपनी फर्म का नाम बताओ कानपुर मंडी में। मोहित कुमार राजपूत। अच्छा तो आपका सोनू भैया नाम है, सोनू भैया हैं ये हमारे। सोनू भैया क्या लग रहा है आलू, कितनी गाड़ी वाड़ी आई आज मंडी में, आलू के बारे में जरा अपडेट करो। आज ये मान के चलिए कि गाड़ी की आमदनी होगी आलू की 50 से 60 गाड़ी। 50 से 60 गाड़ी। और क्या ज़्यादातर कौन से आलू आ रहे हैं इस समय? ख्याति। तो इस समय बैलेंस कुछ बच रहा है मंडी में, साफ हो जाता है सब मंडी साफ बिल्कुल? तो कहाँ कहाँ जा रहा है इस समय आलू? ये सब जगह जा रहा है, गोरखपुर है, बाराबंकी है, अच्छा आपके बनारस है, इलाहाबाद है, उड़ीसा है, झारखंड है। तो लोग यहाँ जैसे बेच देते हैं तो उसके बाद पड़ता आ जाता है, आप लोग जैसे बाहर बेचते तो आ रहा है इस समय पड़ता? बगैर पड़ते की गाड़ी। क्या रेट बिक रहे हैं आलू ख्याति, अगर बहुत बढ़िया आलू अगर हो डंप का? अच्छा हमारे यहाँ ख्याति बढ़िया नंबर एक बिक रहा है 470 रुपये से लगा के 500। 470 से 500 रुपये तक, तो ये तो भाव इस तरह कोई 40 kg के भाव है इस तरह भाव के घटा बढ़ी है कुछ? कोई घटा, बढ़िया माल का यही भाव। और लाल वगैरह आ रहा है हॉलैंड? लाल आ रहा है, लाल आप यही मान के चाहिए 450। अच्छा हॉलैंड की इस समय क्यों हालत ज़्यादा खराब है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। हॉलैंड की देखिए इसलिए हालत खराब है, आ जाओ चलते चलते बात करेंगे, आ जाओ अंदर ही चलिए, अंदर आ जाओ चलो। हाँ हॉलैंड की देखिए इसलिए हालत खराब है क्योंकि हॉलैंड जो है वो अभी नेपाल ने डिमांड कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब नेपाल डिमांड करता है तब इसे हॉलैंड का भाव मिलता है। काठमांडू जो बेल्ट है वो हॉलैंड के रेट देती है। अच्छा अच्छा, अच्छा अभी बिहार भी इतना नहीं ले रहा है, बिहार भी अभी आपके 1-2 महीने बाद से चालू। और डंप की क्या स्थिति रहेगी, डंप कब तक चलेंगे ये? डंप आप ये मान के चलिए अभी कम से कम चलेगा 5 से 10 तारीख, 5 से 10 तारीख तक, उसके बाद? उसके बाद सेवा समाप्त। तो डंप की इससे कैसा आ रहा है डंप का आलू इस समय? माल बढ़िया आलू है। देखो आपसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो आपसे मैं इतने दिन से बात कर रहा हूँ, आप काफ़ी दिन से आड़त चला रहे हो कानपुर मंडी में, तो आपसे अपडेट बढ़िया मेरे को नहीं लगता कोई दे देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा काम है कि किसानों को एकदम सही सटीक जानकारी पहुंचे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। मंडी में आए यहाँ मौके पर देखा आलू बैलेंस नहीं है, गाड़ियाँ लोड होकर जा चुकी हैं, तुम्हारे यहाँ भी ये प्याज और ये लगी हुई है, आलू एकदम खत्म हो चुका है,
तो यही एक अच्छा संकेत है। क्या लग रहा है आलू में भविष्य 2022 में? बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। दो तीन महीने शुरू के तो स्टार्टिंग के तो अच्छे रहेंगे, बाद में क्या होता है भगवान मालिक, बाद की भगवान मालिक है। और सोनू भैया एक चीज बताओ, ये पाकिस्तान का अल्लाह उड़ रहा है, पाकिस्तान आलू जा रहा है, ऐसी कोई खबर है तुम्हारे पास? ये तो सब बिना फालतू की बातें हैं और कुछ नहीं है। नहीं जा रहा ना, कोई सवाल ही नहीं है जाने का अभी, कोई व्यापारिक लेन देन सब बंद पड़ा हुआ है। तो ये 72 बातें होती हैं, कह देने को आदमी कह देता है श्रीलंका आलू जा रहा है, किसी ने बताया श्रीलंका का ये? देखो श्रीलंका का क्या है कि थोड़ा बहुत हर बहुत तो हर साल जाता ही है श्रीलंका तो आलू, और कुछ हमारे जैसे जो वैसे देश है जो ओमान वगैरह और जो मॉरिशस वगैरह, तमिलनाडु से पलटी होती है श्रीलंका के लिए, उधर चले मैदान में नहीं यही। अच्छा, तमिलनाडु से जैसे पलटी होती है श्रीलंका के लिए, हाँ। तो इतना माल थोड़ा ना जा रहा है श्रीलंका। सही बात है, जो मेट्टुपालम मंडी से जाता है, मेट्टुपालम मंडी से जाता है, कितना माल जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। सही कह रहे हो, आदमी कह देता है उससे कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है, बाकी बैलेंस कुछ नहीं बचता मंडी साफ एकदम है ना, प्याज लहसुन वगैरह ये लगा हुआ है। क्या लग रहा है, उम्मीद बढ़ेंगी कुछ? टाइट कब से होगा मार्केट? और मार्केट हमें लगता है कि ईद बाद कुछ टाइट। तो ये जैसे लोगों ने, अच्छा ईद की वैसे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे लोग ये रूमर उड़ रहा है कि आलू बहुत ज़्यादा है, बंगाल में भी बहुत ज़्यादा हो गया और यूपी में भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसका असर दिखता ना, जब आलू इतना ज़्यादा है दिखता, लेकिन इसका असर आपको यूँ नहीं दिखेगा क्योंकि जिस रेट का यूपी में भंसार हुआ उसी रेट का बंगाल में भी भंसार हुआ है, तो आपको असर कहाँ से दिख जाएगा? तो ये मजबूरी हो गई क्या? ये मजबूरी हो गई है भाई, हम भी अपना कम नहीं बेचेंगे और हम भी कम नहीं बेचेंगे। सही, तो ये फरक्का और पार्टी दोनों बैठी है कमाने के लिए। सही बात है, फरक्काबाद का टप, इसमें किसानों को तो फायदा होगा, होना चाहिए ना। लीजिए, कभी इतना महंगा आलू बिका है आप हमको बताइए? नहीं बिका है। ये अगर उड़ीसा और झारखंड वाले और बंगाल वाले ना आते तो आलू तो 200 रुपए बोरी का बिकता। तो अभी इस समय कानपुर मंडी से सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ की है? हर तरफ की है, हर तरफ। उड़ीसा बहुत जा रहा है मैंने सुना, उड़ीसा भी खूब जा रहा है, झारखंड भी जा रहा है आपके, और बनारस है, इलाहाबाद है, गोरखपुरी, ये तो हमारी तारीफ की बात है कि ये है कि इतना बड़ा इतना माल आता है। कानपुर तो बहुत बड़ी मंडी है अपने एशिया की, अच्छी एशिया का सबसे बड़ा लोडर है, सबसे बड़ा लोडर है उसके। मंडियों के मामले में तो आजादपुर मंडी बड़ी है। हाँ नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो बड़ी मंडियों में ही आती है, गिनती है यूपी की। तो ये एक चीज बताओ आप मुझे कि उसके बाद भी डिमांड इतनी बढ़िया है इस समय आलू की, और बैलेंस बिल्कुल बच नहीं रहा है? अगर आलू इतना ज्यादा होता तो मंडी में पटा पड़ा होता चारों, कहाँ जाता फिर आलू, बताओ आप मुझे। आज आप ये मान लीजिए कि अगर 10 गाड़ी उड़ीसा की यहाँ से लोड होती है तो कम से कम 50 गाड़ी क्षेत्र से लगती है। क्या कर रहेगा उड़ीसा इतने आलू का, क्या करेगा? खपत होगी, बिल्कुल खपत होगी। तो शादी ब्याह इस साल जैसे भाई, आप एक चीज ये बताइए, सबसे ज्यादा खपत तो घरों के अंदर आलू ही की तो है। सब्जी सस्ती कौन सी आप हमको बताइए? मेरा हरी सब्जियों को देखते हुए आलू फिर भी मत दा। बिल्कुल सही बात है, मेरा 4 बजे आने का यहाँ 3:30 बजे आने का उद्देश्य ये था, देखूं मंडी में है क्या, मंडी खाली है क्या है, निकल के जा रहा मैं, निकला मंडी में घूम ले, सोनू भाई से बात कर ले। आप अपनी फर्म का नाम बता दो और दुकान का नंबर बता दो। लालित्यम आलू कंपनी, दुकान नंबर 892, मोबाइल नंबर 7618930350। दोस्तों कोई भी बढ़िया है सोनू भाई, आए अपने बालू भालू जिन्हें बेचना हो इनसे बात करें, इन्हें फ़ोन कर लें। बहुत बढ़िया जानकारी दी सोनू भैया आपने, और देखते हैं मंडी में और थोड़ा इधर उधर घूम लेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है देखिए दोस्तों कानपुर मंडी, आलू की सब साफ मामला, कोई बैलेंस नहीं, हर आड़त पर यही कंडीशन है। अब एक एक आड़त पर तो नहीं घूम के दिखा सकते, बाकी हमने बात करी बढ़िया, आलू सब शाम को साफ हो जाता है, सब गाड़ियों में लोड होकर चला जाता है, कोई बैलेंस नहीं बचता है, और उड़ीसा और इधर की बहुत अच्छी डिमांड चल रही है इस समय। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना।